जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा पार्वती गौरानीता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर प्रेम नंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरतः डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी की श्री ललिता विशाखा की श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज असेंबल्ड बॉडीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज असेंबल्ड बॉडीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग निताय गौर प्रेमानंदे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। सिक्सटी नाइन जो वर्स है इसमें प्यार है, इसमें तात्पर्य नहीं है तो मैं उसको पहले पढ़ लेता हूँ। मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुण ग्राम ललाटे लिखी लतार रामदास नाम। मुरारी गुप्त भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। जब महाप्रभु ने उनके मुख से भगवान रामचंद्र की महिमा सुनी तो उन्होंने तुरंत उनके मस्तक पर रामदास यानी भगवान रामचंद्र का नित्यदास लिख दिया। अब यहाँ पर जो पया लिखा हुआ पढ़ेंगे। श्री धरे लोह पात्र कैला जल पान समस्त भक्त रदिल इष्ट वरदान। श्री धरे लोह पात्र कैला जल पान समस्त भक्त रदिल इष्ट वरदान। श्रीधर लोह पात्रे कैला जल पान समस्त भक्तिर दिल इष्ट वरदान। श्रीधर लोह पात्र कैला समस्त भक्तिर दिल इष्ट वरदान। बोलिए आप। श्रीधर लोह पात्रे कैला जल पान समस्त भक्तिर दिला इष्ट वरदान। श्रीधर लोह पात्रे कैला जल पान माता जी शब्दार्थ। श्रीधरेरा श्रीधर के लोह पात्रे लोहे के पात्र से कैला किया जलपाना
जलपान समस्त सब भक्त तेरा भक्तों को दिला दिया, इष्ट अभिष्ट वरदान वरदान। अनुवाद तत्परिच डिवाइन ग्रेस सभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बाद श्रीधर के घर गए और वहां उन्होंने उनके एक टूटे फूटे लोहे के बर्तन में पानी पिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे भक्तों को इच्छित वर दिए। तात्पर्य इस प्रकार है, जब चांद काजी नामक मजिस्ट्रेट के विरोध में सामूहिक नगर संकीर्तन हुआ तो काजी भक्त बन गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन टोली समेत श्रीधर के घर गए, घर आए, काजी भी उनके साथ साथ था। सारे भक्त वहां कुछ समय तक रुके और सबने श्रीधर के लोहे के टूटे लोटे से पानी पिया। महाप्रभु ने भी जल ग्रहण किया क्योंकि लोटा एक भक्त का था। तब चांद काजी अपने घर चला गया। जहां उन लोगों ने विश्राम किया था वह स्थान मायापुर से उत्तर पूर्व दिशा में है और कीर्तन विश्राम स्थान कहलाता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तुम अध्ययन कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 और अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्थाएं की लीलाएं। तो यहाँ पर आदि लीला में जो भगवान की मध्य लीलाएं और अंत लीलाएं उनका वर्णन बहुत संक्षिप्त में कर रहे हैं क्योंकि लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत में पहले से हो रखा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो बहुत ही एक दो प्यार में ही कई लीलाओं को बता देते हैं। इसलिए जो इसके पहले का श्लोक है उसमें मुरारी गुप्त के बारे में बता रहे हैं कि मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुण ग्राम ललाटे लिखिला तारा रामदास नाम। तो भगवान जब उनके मुख से 8 या 10 श्लोकों को जब सुना गुणगान सुना 8-10 श्लोकों से कि रामचंद्र जी का क्या गुणगान है, जब सुन लिया मुरारी गुप्त के मुख से तो उनके माथे पे लिख दिया। तो टैटू नहीं बनाया कुछ ऐसे, उससे चीज नहीं लिखा, परमानेंट नहीं लिखा, किसी तिलक से या किसी वस्तु से लिख दिया। तो मुरारी गुप्त के साथ जो भगवान का जो संबंध है बहुत ही गहरा और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में जो बातें लिखी गई हैं खासकर जो नवदीप में घटना घटी थी उस सारी लीलाओं का वर्णन जो है
चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उनका वर्णन मुरारी गुप्त के कड़चे से उनके डायरी से मिलता है। तो उसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, तो मैं कुछ चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत से बताऊंगा किस प्रकार भगवान गुणगान करते हैं स्वयं अपने मुख से। तो जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु थे, ये मध्य लीला की अध्याय 15 का लीला चल रही है, जब महाप्रभु जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर, तो वहां पर उनका मन जो था सभी भक्तों को गुणगान कर रहा था मन। तो बार बार हर भक्त को, जो भी भक्त को देखते उनका गुणगान करते, उनके बारे में बोलते, कुछ ना कुछ आदेश देते, कुछ ना कुछ बताते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि तुम जो एक जो कास्ट का रूप भगवान जो है दारू ब्रह्म, उसकी उपासना करो। और साथ साथ में दूसरे भक्त वाचस्पति को कहते हैं, उनको कहते हैं कि आप गंगा की पूजा करो। तो बोलते हैं, कहते हैं दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हया साक्षात जल ब्रह्म सम। दारू ब्रह्म के रूप में जो भगवान पुरुषोत्तम स्वयं विराजमान है, और जल जल के रूप में भी भगवान स्वयं विराजमान है, ऐसा उनको कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, जैसे ही उनकी नजर पड़ती है मुरारी गुप्त के ऊपर, तो मुरारी गुप्त का आलिंगन करते हैं और भक्ति निष्ठा के बारे विषय में बातें करते हैं कि इसकी निष्ठा कितनी प्रबल है। और सारे भक्तों ने सुना, मुरारी गुप्त रे प्रभु करी आलिंगन, तार भक्ति निष्ठा कहेन सुने भक्तगण, पूर्वे आमी हरे लोभाई लो बार बार, परम मधुर गुप्त राजेंद्र कुमार। बोलते उसके पूर्व मुरारी गुप्त को मैंने कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लोभ बढ़ा दिया उसको कृष्ण का, क्या किया कृष्ण के प्रति आकृष्ट होने के लिए कृष्ण की अत्यंत मधुर लीलाएं उनके बारे में बताया। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वश्रय विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्व रसमय। उनको बताया कि भगवान जो विशुद्ध दिव्य प्रेम के आगार है और समस्त आनंद के भी आगार है, इसलिए तुम उसकी पूजा करो। मधुर चरित्र कृष्ण मधुर विलास, चातुर्य वैदग्ध्य करे जारे लीला रास। उनका चरित्र अत्यंत मधुर है, इसलिए उनकी लीलाओं का रस आनंद लूटने के लिए तुम्हें उनका भजन करना चाहिए। सेई कृष्ण भज तुमी हो कृष्णाश्रय, कृष्ण बिना अन्य उपासना मने न हिलय। तो मुरारी गुप्त को बड़ा फोर्सफुली समझा समझा के बोल रहे हैं, उनके मन में विचार नहीं है, उनके मन में विचार तो रामचंद्र जी का है, ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि तुम कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण के शरण में जाओ, उनकी सेवा के अतिरिक्त मन में किसी और की तुम्हें अच्छा नहीं लगना चाहिए। यही मत बार बार सुनिया वचन, हमारा गौरव की छुफिरी गेला मन। बोलते हैं ऐसे ही जब मैंने ऐसे बात बताया तो मुरारी गुप्त के मन में भी थोड़ा विचार बदल गया, क्योंकि मेरा गौरव था है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं जिसको बोल रहे हैं तो उसको तो विचलित हो ही जाएगा, तो थोड़ा विचलित हो गया, कुछ कुछ बदल गया। आमेर कहे नामी तुम्हारा किंकर, तुम्हारा आज्ञाकारी आमी ना ही स्वतंत्र। तब मुरारीगुप्त ने उत्तर दिया, मैं आपका सेवक हूं और आज्ञावाहक हूं, मेरा स्वतंत्र से तो नहीं है। हेता बोली घरे गेला चिंती रात्र काले, रघुनाथ त्यागे चिंताए है लविकले। तो मुरारीगुप्त घर तो चले गए पर रात भर सोचते रहे, सोचते रहे कि रघुनाथ रामचंद्री को साथ कैसे छोड़ देंगे, इस तरह उनका मन विवल हो गया। केमन छाड़ी बे रघुनाथ रे चरण, आज रात्रे प्रभु मोर कर हमरण। तो बोलते हैं मैं रघुनाथ जी के चरण कमल को कैसे छोड़ूंगा। मुरारी गुप्त बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं बार बार कि भगवान रामचंद्र मैं आपके चरण कमल को छोड़ तो नहीं पाऊंगा, इसलिए आज मेरी मृत्यु हो जाए, इसी रात तो अच्छी है। ए मत सर्वरात्रि करे न क्रंदन, मने स्वस्थि नाही रात्रि कहला जागरण। तो रात भर रोते रहे, रात भर रोते, मन में शांति नहीं थी, सो नहीं सके, रात भर जागते रहे। तो सुबह सुबह उठ गए और सुबह सुबह अपने बिस्तर छोड़ा। प्रातः काली आसी मोर धरिला चरण, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं प्रातः काली आसी मोर धरिला चरण, कांदिते कांदिते किछु करे निवेदन। तो प्रातः काल मुरारी गुप्त मुझसे मिलने आया और मेरे चरण पकड़ कर रोते मुझसे निवेदन किया। रघुनाथ रे पाई मुई बेचिया चो माथा, खड़ी ते ना पारी माथा मने पाए बैठा। बोलते मैंने अपना सिर रघुनाथ के चरणों में बेच दिया है, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि इससे मुझे अधिक पीड़ा होगी।
श्री रघुनाथ चरण छड़ न जाए, तब आज्ञा भंग है कि करो उपाय। बोलते रघुनाथ के चरण कमलों की सेवा छोड़ी नहीं जाती है, और साथ ही अगर मैं ऐसा करता भी हूं कि नहीं छोड़ता हूं उनके चरण कमलों को, तो आपकी आज्ञा भंग होती है, तो मैं क्या करूं। ताते मोरी यही कृपा कर दया माए, तुम्हारे आगे मृत्यु हो कम हो कर संशय। तो बोलते हैं कि एक निवेदन है मुझसे, आप परम दयालु हैं, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने सामने मर जाने दें, जिससे कि मेरा सारा संशय जाएगा। डिसीजन नहीं ले पा रहा, मुझे संशय है मैं क्या करूं, इसलिए अगर मैं शरीर त्याग दूंगा तो मेरा संशय भी समाप्त हो जाएगा शरीर के साथ। ये तो सुनिया में बड़े मन सुख पाई लो, जी हरे उठाओ तैया लंगे न कहलो। ये सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, तो मैंने मुरारी को उठाकर उसका आलिंगन किया। साधु साधु गुप्त तुम्हार सुरदड़ भजन, आमार वचन ने तुम्हार नटाली लमन। हे मुरारी गुप्त, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी पूजा विधि अत्यंत सुदृढ़ है, यहां तक कि मेरे अनुरोध पर भी तुम्हारा मन नहीं बदला। ए मत सभी के प्रीति चाहे प्रभु पाए, प्रभु छड़ लपद छड़ न जाए। तो यहां पर सिद्धांत बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भगवान के चरण कमलों पर सेवक का ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, यहां तक कि भगवान भी छोड़ाना चाहे तो भी भक्त उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ सकता। ये निष्ठा होना चाहिए कि भगवान भी हम जब अभी हमारा जो प्रेम है, हमारा जो आसक्ति है भगवान से, वो अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, भगवान थोड़ा सा भी कष्ट देते हैं तो हम भगवान को भूलने लगते हैं। कोई बोलता है प्रभु जी हम तो नहीं भूलते हैं, इसका प्रमाण है कि हमारी माला में रुचि कम हो जाती है, माला ठीक से नहीं होती, क्योंकि माला ठीक से नहीं हो रही इसका मतलब भगवान से श्रद्धा कम हो रही है हमारी, है ना, यही बात है। यहाँ पर जैसे कि प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता भी रहे हैं, सही भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभु रो चरण, सही प्रभु धन्य जे ना छाड़े निज जन। तो बोल रहे हैं वो प्रभु अंतिलीला का श्लोक है, जिसमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जो भाई हैं अनुपम गोस्वामी, उनका स्वाभाविक जो रुझान था वो भी रामचंद्र जी के पति था। तो वहां पर जब बोलते हैं, जब उनको पता चलता है कि रामचंद्र जी पति उनका प्रेम था, तो बोलते हैं वही शरीर त्यागने के बाद की घटना है, तब वो बोल रहे हैं कि वो प्रभु वो भक्त भी धन्य है जो किसी प्रभु जी के अपने भगवान के चरण नहीं छोड़ते हैं किसी भी अवस्था में, और भगवान भी धन्य है जो अपने लोगों को छोड़ते नहीं है। भगवान बहुत पॉजिटिव है, भगवान के शरण में कोई आ जाता है तो भगवान कष्ट तो देते हैं, पर इतना कष्ट देते हैं कि वो भगवान को छोड़े नहीं, परीक्षा बस लेते हैं। और जब भक्त कभी छोड़ने के लिए सोचता भी है तो सारे रास्ते उसके बंद कर देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे उसको, वो सोचेगा कि मैं कहीं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, जिस बिजनेस में हाथ डालेगा वो खराब हो जाएगा, भगवान पूरा घेरा बना लेते हैं। जैसे कि कभी कभी माता करती है बच्चे को, क्या करती है, बोलती मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, या कोई कष्ट हो जाता है तो रोता है, बोलती ठीक है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो बच्चा थोड़ा दुखी इधर उधर जाने लगता है, सारे दरवाजे बंद मिलते हैं उसको, फिर लास्ट पर रोते हुए किसके पास आता है, माँ के पास आता है। तो ऐसे ही भगवान बहुत पॉजिटिव है। दुर्देव सेवक यदि जाय न स्थाने, सही ठाकुर धन्य तारे धूली धरे आने चूली धरे आने। बोल रहे हैं दुर्देव, अगर कोई सेवक ऐसा भी है कि भक्त भगवान को छोड़ना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसका शिखा पकड़ के, बाल पकड़ के तुरंत वापस खींच के ले आते हैं। तो ये है भगवान की, कृष्ण की भक्ति करने के लिए, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपको जाने नहीं देंगे। थोड़ा भी भगवान को समझ में आ गया कि मेरे पास आ गया, इसको जाना नहीं देना है, फिर भगवान की चलेगी हमारी कोई नहीं चलती। यही मत तुम्हारा निष्ठा जानी बार तरे, तुम्हारे आग्रह आमी कह लो बारे बारे। मैंने भगवान के प्रति तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा को परीक्षा के लिए तुमसे भगवान रामचंद्र की भक्ति छोड़कर कृष्ण की पूजा करने के लिए बारंबार अनुरोध किया था। साक्षात हनुमान तुम्हें श्री राम किंकर, तुम्हें के न छाड़ी बतारा चरण कमल। इस तरह मैंने मुरारी गुप्त को बधाई देते हुए कहा, निसंदेह तुम हनुमान के अवतार हो, भला तो तुम भगवान रामचंद्र के सनातन दास हो, तो फिर तुम भगवान रामचंद्र तथा उनके चरणों की पूजा क्यों त्यागोगे, ऐसा बोलते हैं। सही मुरारी गुप्त यही मोर प्राण सम, यहर धन्य सुनी मोर फटाए जीवन। मैं इस मुरारी गुप्त को अपने प्राण के समान मानता हूं, जब मैं उसकी दीनता सुनता हूं तो मेरा जीवन विचलित हो जाता है। तो मुरारी गुप्त जो है भगवान के अत्यंत प्रिय है, और अत्यंत इतने प्रिय हैं कि
एक तो पास में ही रहते हैं और थोड़ा सा उम्र में बड़े भी हैं, लेकिन उनके साथ जो लीलाएं अद्भुत हैं, क्योंकि एक तो मुरारी गुप्त उनकी सारी बातों को रोज लिखते थे, तो जब जो व्यक्ति किसी की बातों को, जिससे प्रेम करता है उसकी बातों को जब लिखता है तो उससे और प्रेम बढ़ता है, क्योंकि उसको याद भी करता है। श्री श्री राधा पार्वती भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसे ही घटना घटती है। एक बार क्या होता है, मुरारी गुप्त जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं, और जब उनसे मिलने जाते हैं तो देखते हैं नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों विराजमान हैं, एक स्थान पर बैठे हुए हैं। तो जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उनके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो जब ऐसा प्रणाम करते हैं तो थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं और हम मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुमने मर्यादा व्यतिक्रम किया है। तुम इतनी सारी पाठशाला खोले हो और इतना पढ़ाते हो, लेकिन तुम्हें खुद से व्यवहार करना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता कि किसको नमस्कार करना चाहिए। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, मतलब तुम आज घर जाओ, कल तुम्हें बताऊंगा। ऐसा बोलकर उनको भेज देते हैं। मुरारी गुप्त घर चले जाते हैं। घर जाकर जब सोते हैं, स्वप्न में देखते हैं कि बलराम जी बहुत सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, हल पकड़े हुए हैं और गदा पकड़े हुए चले आ रहे हैं, और पीछे पीछे जो है कृष्ण चले आ रहे हैं। उनके पास आते हैं और उनको बताते हैं कि देखा, अब बताओ कौन जूनियर है कौन सीनियर है। ये है ना सीनियर, ये आगे चल रहे हैं, मेरे से बड़े भाई हैं, ये वही है। ये ना रूप जो है नित्यानंद प्रभु का रूप है, यहाँ पर जो रूप दिख रहा है उनको, जो अभी का वर्तमान रूप है, लेकिन जो श्रृंगार है, जो वेशभूषा धारण किए हैं, वो बलराम जी का धारण किए। इससे पता चल रहा है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी हैं। और पीछे जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है और गोरा रंग है, लेकिन धारण किए हैं कैसे, कृष्ण। और तैसी जैसी पास आते हैं तो उनको और भ्रम ना हो जाए कि ये रूप गोरा कैसे होगा, ये कृष्ण नहीं हो सकते, तो तमाल वृक्ष के समान उनका शरीर का रंग हो गया। तो बाद में उनको एहसास हुआ, निद्रा खुली, तो बड़े व्याकुल हो गए और दौड़ते दौड़ते जाकर वो उनसे मिलने गए सुबह, और जाकर वहां पर प्रणाम करते हैं सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को। जैसे नित्यानंद प्रभु प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं, आप तुम्हें समझ में आ गया कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है। बोलते हैं, हाँ आप ही ने तो बताया था रात में, पहले भी आपने ही ऐसे मन में विचार डाला था तो प्रणाम करने में आपके पास आया था, अब आपने मेरे अंदर विचार डाला है तो प्रणाम करने नित्यानंद प्रभु के पास गया हूं। तो इस प्रकार उनके मन में जो विचार थे उनको परिवर्तन करते हैं और बताते हैं कि जो मुरारी गुप्त को ये उनके हृदय की गुप्त बातें बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है और मैं कौन हूँ, वास्तव में कृष्ण बलराम है, इनके हृदय में ये विचार डाल लेते हैं। तो मुरारी गुप्त से इस प्रकार का प्रेम होता था, आदान प्रदान होता था। एक बार मुरारी गुप्त के घर पर थे, आप लोग में से जो मायापुर परिक्रमा करते हैं मुरारी गुप्त का घर देखा है, कितने लोगों ने देखा है, तो उसको स्मरण कीजिए। मुरारी गुप्त के घर पर जो ऊंचा स्थान है, वो पहले ऐसा सीमेंटेड नहीं था, उस स्थान पर खड़े हैं और अचानक से विष्णु के भाव में आ गए और जोर से चिल्लाने लगे, गरुड़ा गरुड़ा, जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से सारे भक्त खड़े हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो मुरारी गुप्त तो सोचते हैं कि उनको शुद्ध ही साथ उनके अंदर गरुड़ का भाव आ गया, उनके पास पहुंच गए, बोलते हैं, हे विष्णु, आप बैठिए मेरे पर और चलिए, आपको याद नहीं कि मैं आप मेरे पर एक बार विराजमान थे, हम पारिजात लेने गए थे, याद नहीं वो दिन। बोलते हाँ हाँ। तो जैसे गरुड़ बनकर झुक जाते हैं, महाप्रभु उनके पर चढ़ जाते हैं, उनके पर चढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर जैसे उड़ रहे हैं ऐसे करके, महाप्रभु पीछे बैठे हैं, उड़ाते हुए ले आते हैं उनको, ऐसे उड़ाते हुए। आपने देखा होगा सामने में खेत है, पहले ऐसा खेत नहीं था, तो उस स्थान में घुमाते हैं उनको अलग अलग स्थानों में। और ये सब देखकर जितनी वहाँ की भक्त स्त्रियाँ हैं उसे उल्लू ध्वनि कर रही हैं, और भक्त लोग जय जय कर रहे हैं, जय गरुड़ा जय विष्णु सब कर रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद घुमा कर उनको ले आते हैं, जैसे ही मुरारी गुप्त अपने घर पर ले आते हैं, तो जैसे ही बैठते हैं तो महाप्रभु को फिर से ध्यान आ जाता है कि मैं विष्णु नहीं हूँ, वापस उनका चेतना वापस आ जाता है, तो उतर जाते हैं। जैसे उनकी चेतना आती है तो इनके गरुड़ की चेतना वापस आ जाती है। तो इस प्रकार उनसे आदान प्रदान बड़ा प्रेम पूर्वक रहता था। तो एक बार क्या होता है कि
एक बार ऐसी घटना घटती है, एक दिन मुरारी परम शुद्ध मति निज मने मने गने अवतार स्थिति। तो उनके मन में एक विचार आया, मुरारी गुप्त के मन में, कि भगवान जो है अजीब अजीब सी लीलाएं करते हैं, रामचंद्र की लीलाओं को याद कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को याद कर रहे हैं, सांगो पंग अच्छाए यावत यादव अवतार तथा व चिंतया मिनी ज परित्रकार, न बुझी कृष्ण लीला कनक न की करे थकाने सृज्य लीला थकाने संभारे। बोलते हैं आप रामचंद्र जी की जब लीला करते हो तो क्या करते हो, सीता को बचाने के लिए पूरा युद्ध करते हो, रावण को मारते हो, सीता जी को ले आते हो, और बाद में क्या करते हो, सीता जी को त्याग देते हो। ये समझ नहीं आता आपकी बातें। दूसरी तरफ कृष्ण लीला में क्या करते हो, यादवों को इतना प्रेम देते हो, यदुवंशियों को इतना प्रेम देते हो, बाद में आपस में लड़वा के मरवा देते हो। ये आपकी लीला अजीब लग रही है। ये यादव गण निज प्राण रसमान साक्षात देखिए तार है हराए प्राण, अथव यावत अच्छा अवतार तावत अमर देह त्याग परित्रकार। बोलते हैं कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, और मैं कहीं आपके बारे में गलत न सोच लूं, तो आप भी यहीं पर उपस्थित हैं ऐसा मन में सोच रहे हैं, ये मन ही मन में सोच रहे हैं, मुरारी मुझे शरीर त्याग देना चाहिए, अब ये शरीर का कोई फायदा नहीं। देह एति बार मोर से ही समाय पृथ्वी तेजावत अच्छाए महाशाय, एकत निर्वेद गुप्त चिंति मने मने खर्षन काति एक खर्षन काति एक अनिल जतने। बोले तो क्या करिए, सोच कर उन्होंने एक नारियल काटने वाला होता है, उसको काती कहते हैं, उड़ीसा बंगाल में जाके बोलेंगे पूछेंगे तो काती बोलते हैं, वो काती ले आते हैं काटने वाला और छुपा कर घर पर रख लेते हैं कि कल सुबह क्या होगा कार्यक्रम होगा इसका उपयोग होगा। तो आनी अथुई लकाती ग्रह भीतरे निशय आड़ी व देह हरिश अंतरे। तो उन्होंने मनी मन सोचा कि कल मैं क्या करूंगा, या आज रात को ही क्या करूंगा, अपने शरीर को मार दूंगा, खत्म कर लूंगा अपने आप को। तो भगवान तो जानते हैं, सर्वभूत हृदय ठाकुर विशंभर मुरारी रचित वृत्ति है लगोचर। तो विशंभर भगवान जो सारे संसार का पालन करता है वो तो सबके हृदय में भी विराजमान है, तो मुरारी गुप्त के हृदय में भी विराजमान है, तो उनके चित्त विषय को समझ गए। सतबारे अयला प्रभु मुरारी भवन संभ्रमे करिला गुप्त चरण वंदन। तो मुरारी गुप्त के घर में जैसी आए तो उनके मुरारी गुप्त ने क्या कि उनके चरणों का सम्मान किया, सब कुछ किया। और आसने वसीय प्रभु कृष्ण कथा कहे मुरारी गुप्त रहे प्रमाण साधाए। तो उनको क्या किया कि मुरारी गुप्त ने प्रणाम किया, उनको सेवा की, उन्होंने कथा सुनाया, कृष्ण कथा सुनाने लगे। और तो धीरे से बुलाकर बोलते हैं मुरारी गुप्त, कहते हैं प्रभु बोले गुप्ते वाक्य रखी अमार। मुरारी गुप्त कहते तो मेरी बात मानोगे, गुप्त बोले प्रभु मोर शरीर तुमार। मुरारी गुप्त बोलते हैं ये मेरा शरीर आपका है, ना बड़े प्रेम से बोलते हैं। प्रभु बोले यही तो सत्य, ये सच है, कान में बोलते हैं। गुप्त बोले हाय हाँ है, काती खानी देह मोर प्रभु काने जाए। बोलते हैं कि ये सच है, सच बोल रहे ना, तो मुझे वो फिर वो काती दे दो तुमने जो छुपाया, कान में बोलते हैं उनके। एक काती थुईला देह छाड़ी बार तरे तहा आनी देह आछे घरे रभितरे। मुझे पता है कि तुमने कि काती छुपा कर रखा है और तुम्हारा प्लान है कि अपने आप को तुम मारोगे, तुम आत्महत्या करने वाले हो, मुझे दे दो। तो बोलते हैं क्या बोलते हैं मुरारी गुप्त, हाय हाय करी गुप्त महा दुख मने मिथ्या कथा कहिला तुम्हारे कौन जने। हाय हाय आपको कौन बात बताया, किसने झूठ बोल दिया, इतनी बड़ी बात किसने बता दी आपको, कौन झूठ बोला है। प्रभु बोले मुरारी बड़ा तर देखी भोला। प्रभु बोलते हैं कि मुरारी तुम बड़े भोले हो, क्या भोले हो, पारे कहिला से आमी जानी है ना बोला। तुम क्या सोचते हो कोई मुझे बोलेगा तब उसकी बात मानूंगा, जब मुझे पता नहीं चलता है, क्या मैं अंतरिया में नहीं हूं। ए गड़िया दिला कती तहा जानी आमी तहा जानी जत्था कती या तो इला तुमी। तुम्हें ये नहीं पता कि जिसने बनाया उसका नाम भी जानता हूं, जो काती जिसने बनाया है लोहार ने उसका भी नाम जानता हूं, और तुम जहां छुपा कर रखे हो मैं यहां से बैठ कर देख रहा हूं। सर्व अंतर्यामी प्रभु जने सर्वस्थान घरे गिया कतारी अनिल विद्यमान।
छूट के गए और उन्हें स्थान को छोड़ा और गए अंदर से जाकर वहां से क्या किया, काती उठा लिया है। प्रभु बोले गुप्त यही तो मार व्यवहार कोन दोष आम छाड़ी चाह व्यवहार। बोले गुप्त तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत व्यवहार किया है, तुम मुझे छोड़कर जाना चाह रहे हो, तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो। तुम्हें गेल कहा रे लाइया मोर खेला एन बुद्धि तुम्हें का रास्ता ने सिखाईला। तुम मेरे साथ रहते तो मुझे कितना आनंद आता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं क्यों जाना चाहते हो, और किसने तुम्हारी ऐसी बुद्धि की, किसने तुम्हें ज्ञान दिया है। एखानी मुरारी मोरे देहा ही भिक्षा आर कबू है ना बुद्धि ना करे बस शिक्षा। तुम्हारी गुप्त तुमसे एक वादा करो आ तुम्हें एक तुम मुझे एक भिक्षा दो, तुम हमेशा भोजन खिलाते हो भिक्षा देते हो ना, तो आज एक भिक्षा दो कि अब से तुम्हारा शरीर मेरा है, तुमने बोला था कि मेरा शरीर तुम्हारा है, तो आज से तुम दोबारा ऐसा मत सोचना। कोले करी मुरारी प्रभु विशंभरे हस्त तुल दिला ने जस सिर रूपरे। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए मुरारी गुप्त ने विशंभर के चरणों पर अपना सिर रख दिया। मोरो माथा खाओ गुप्त मोरो माथा खाओ जदि यार बार देहा छाड़ी बार चाओ। याद रखना मुरारी गुप्त, दोबारा कभी आपने ये प्लान बनाया अपने आप को मारने का तो मेरा शरीर अपने वो कटार को रख लेते हैं, अपना शरीर अपने सिर से अलग कर दूंगा, इस प्रकार का प्रेम है। आथे वह थाने मुरारी पड़ीला भूमि तले पखाईला प्रभु चरण प्रेम जले। तो मुरारी गुप्त और ज्यादा रोने लगे, रोते रोते उन्होंने भगवान के चरणों को धो दिया। श्रुति मुरारी खंडे धरिया चरण गुप्त गुप्त को लेकर खंडे श्री सचिनंदन। तो इस प्रकार रोते रोते उनके चरण को धो दिया और उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। तो इनके बीच में इतना प्रेम था मुरारी गुप्त और कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के बीच में कि वो यहाँ बता रहे हैं कि साथ साथ में उनके प्रति इतना प्रेम आपस में प्रकट होता था कि वो उनके साथ वहां भी जाते थे। कहाँ पर, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जाते थे, उनके साथ लीला करते थे, नरेंद्र सरोवर में स्नान करते थे साथ में। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले चले जाएंगे और वहां समय बिताकर वापस आते थे, इस प्रकार उनके बीच में व्यवहार था। शिल प्रभुपाद जी जो आगे के पयार में बताते हैं कि श्रीधर के घर में गए चांद काजी को हराने के बाद, उसको भक्त बनाने के बाद नगर संकीर्तन किया, तो आप पढ़ेंगे चैतन्य भागवत में इतना अच्छा वर्णन किया गया है कि बताते हैं जब चांद काजी को हराने के लिए या समझाने के लिए संकीर्तन आंदोलन जब निकला तो सब लोगों ने मशाले पकड़ी थी और कीर्तन कर रहे थे। कुछ लोग तो पीछे चिल्ला भी रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चिल्लाते हैं पीछे से चांद काजी को मारो चांद काजी को मारो, और कई लोग कीर्तन कर रहे थे। तो उस दिन ऐसा हो रहा था कि जब घोषणा हो गई सुबह कि हम चांद काजी के पास जाएंगे नगर संकीर्तन करते हुए सबको बता दो, तो बताते हैं कि वहां पर नगरों में गांव में सब्जियों की दुकानों पर मसाले बिकने लगी, रिक्शे वाला ठेले वाला सब मसाले बेचने लगे, बच्चे भी बोलने लगे हम छोटा मसाला लेंगे, बूढ़े भी तैयार हो गए, वो कभी नहीं चलते तो चलने लगे, यहाँ चलना है चांद काजी को मारने के लिए। तो सब मसाले के बाद लाखों की संख्या में थे और चांद काजी के जब घर में गए तो पहले ही से डरा हुआ था, एक रात्रि पहले भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और उनको डराया था धमकाया था। तो ये नगर संकीर्तन से फिर उनके बीच में वार्तालाप हुई, उनके घर पहुंचे, चांद काजी को उद्धार किया, काजी भी भक्त बन गया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन टोली जो है, आप देखेंगे चांद काजी की जो समाधि है उसके आसपास ही उनका घर था, वहां से देखते हैं एक छोटी सी गली आती है राजापुर मंदिर के पहले राइट साइड में गली आती है, उस गली से जाएंगे सीधा श्रीधर आंगन आता है, तो वहां तक उस रास्ते से वो वापस लौटने लगे और उनके घर पर आकर रुक गए। और सारे भक्त वहां कुछ समय तक रुके और वहां पर बैठकर थोड़ा सा कीर्तन किया फिर विश्राम किया, इसलिए कीर्तन विश्राम स्थान कहलाता है। तो मायापुर परिक्रमा के दौरान वहां भक्त लोग जाते भी हैं और वहां पर क्या किया, सभी भक्तों ने श्रीधर के श्रीधर आंगन में रखे हुए जो श्रीधर भक्त है उनके लोहे का जो लोटा था उसे सभी लोगों ने पानी पी लिया। लोहे का लोटा इतना अच्छा नहीं होता है ना तांबे यार, ये पीतल का लोटा अच्छा होता है। लोहे के लोटे को बाहर शौच क्रिया के लिए भी प्रयोग करते थे, वो घर में धोके स्नान भी करते थे, पानी भी उससे पीते थे, सारा एक ही लोटे से होता था, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उससे सब लोगों ने पानी पिया। किस लिए पिया, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को पता था
फिर लोटा किसका है? एक भक्त का है, तो बहुत पवित्र है। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं श्रीधर के बारे में। क्या होता है, एक बार क्षेत्र महाप्रभु क्या कर रहे हैं, लीला प्रकट कर रहे हैं, महाप्रकाश लीला। महाप्रकाश लीला में क्या होता है कि भगवान को सभी लोग, जैसे कभी लोग सोचते हैं अभिषेक जैसे भगवान का करते हैं, शायद चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक भी इसी प्रकार हुआ होगा, पर ऐसे नहीं हुआ। वहां पर घड़े में पानी लेकर आते थे, उसमें चंदन और सुगंधित चीजों को डालकर सुगंधित बनाया गया, उसमें दही मक्खन डालकर स्नान नहीं कराया गया उनको। ऐसे स्नान राजाओं को स्नान कराया जाता है, पहले जमाने में करते थे। तो भगवान कैसे स्नान कर रहे हैं, भगवान जो है महाप्रकाश लीला कर रहे हैं अपना, और कौन से भाव में, भगवत भाव में है। तो सभी लोग को प्रेम दे रहे हैं, सभी सभी लोग को आनंद प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो हर किसी व्यक्ति को बुला बुलाकर उन पर कृपा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो लीला हुई थी उसका क्या संबंध था, क्यों, कब मैं तुम्हारी सहायता किया था, कब तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, ये सब बता रहे हैं। और एक बार क्या होता है, ऐसा ही करते करते अचानक से उनको याद आता है क्या कि एक मेरा भक्त है जो नहीं आया, यहाँ पर अनुपस्थित है, उसको बुलाओ। तो बुलाने के लिए सबको भेजते हैं, तो सारे भक्त जाते हैं बुलाने के लिए। और उनके घर पर श्रीधर जो है वो बहुत गरीब हैं, तो उनके घर पर जब पहुँचते हैं तो उसके पहले ही वो हमेशा दिन रात रोते थे, कृष्ण कृष्ण पुकारते थे, रात में जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र कहते थे। जब जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र गाते थे तो आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो सोचते थे कि श्रीधर जो हैं भूख से रो रहे हैं, खाने के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं, रात भर रोते रहते हैं, ऐसा करके वो लोग हमेशा उनको कोसते थे। यहाँ पर बताता हूँ पढ़कर, एतमति पाषंडी मरे मंडल बली, निज कार्य करे श्रीधर कुतूहली। ऐसा बोल जो ऐसे बोलते थे कि ये रात भर रोता रहता है, भूख से तड़पता रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो हमें हमारी नींद भी खराब करता है, ऐसा तो बोलते थे। लेकिन श्रीधर क्या करते थे, रात भर अपना भजन में लगे रहते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे। तो जब इनको ढूंढने के लिए जब भक्त लोग जाते हैं तो आधी दूरी पर पहुंचे रहते हैं तो जोर जोर से उनकी कृष्ण कृष्ण बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं उनको, है ना। तो समझ जाते हैं कि श्रीधर का घर यह है, उनके घर में पहुंच जाते हैं। घर में जाकर बोलते हैं कि हम आपको लेने आए हैं और चलो महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। तो जब उनको बोलते हैं तो बुला रहे हैं, भगवान ने महाप्रकाश लीला बोली, जैसे ही बोलते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं, सीधा मूर्छित हो जाते हैं सुन के कि भगवान मेरे को पुकार रहे हैं स्वयं। तो ये कोई किसी को जो भक्त हो दिन रात याचना करता हो भगवान के पास जाने के लिए, जब वो सुनता है कि भगवान बुला रहे हैं तो मूर्छित हो जाएगा, मूर्छित हो जाते हैं। आप उनको कैसे ले जाएं, तो उठा के ले जाते हैं उनको, सारे भक्त उठा के ले जाते हैं। तो उठा के ले जाते हैं, जब भगवान के पास पहुंचाते हैं और भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान उनको पूछते हैं कि तुम्हें याद है मैं वही हूं जो तुम्हारे पास आया करता था, और क्या करता था, तुमसे बार्गेन करता था केले के पत्ते के बारे में सब कुछ। तो श्रीधर जी का कार्य क्या था, वो इतने तो अमीर नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि वो खरीद सके, केले खरीद सके, तो केला नहीं बेचते थे, केले का पेड़ खरीद लेते थे और केले के पेड़ को काट कर उसके पत्ते काट कर उसका लीफ बनाते थे जिसमें भोजन करेंगे, और बीज के जो हिस्से को बनाते थे, कई लोग बीज के हिस्से को भी खाते हैं, उसके पेड़ को काट देते, उसकी हिस्से को छोटा छोटा काट देते थे, और उसकी जो फूल है उसको भी लोग खाते हैं, उसकी सब्जी बना के खाते हैं, है ना, जैसे कि भाजी बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, वैसे बना के खाते थे। तो ये कार्य उनका था। और जब उनके पास पहुंचते हैं, श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न भइला, आयस आयस बलि देखिला गिला। श्रीधर को देखकर बहुत ही खुश हुए और बुलाए, पास आओ श्रीधर, पास आओ। विस्तार करिया छ मोर आराधन, बहु जन्म मोर प्रेम त्याजिता जीवन। तुम आज मेरी पूजा करो, है ना, तुम क्योंकि कई जन्मों से मेरी पूजा कर रहे हो, तुम्हें आज कृपा मेरी तरफ से प्राप्त होगी, तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करो, तुम्हें प्रेम प्रदान करूंगा। एई जन्म मोर सेवा करीला विस्तार, तुम्हारा खोलाए अन्न खाई निरंतर। तुमने जो पत्ता देते थे तो रोज मुझसे भोजन करता था,
तुमने मेरी सेवा बहुत की है। तुम्हार हस्ते द्रव्य खाइनु विस्तार पशर लिया आमा संगे यही कर ला उतार। तुम्हें याद नहीं लगता, तुम भूल गए हो कि तुम केले के पत्ते देते थे, मैं उस केले के पत्ते में खाता था, तुमसे व्यवहार होता था। इस प्रकार का बोल रहे हैं और बोलते हैं, प्रतिदिन श्रीधेर प्रसन्न किया थोड़ा काला मुला खुल अर नकिनिया। तो जाते थे उनके पास खरीदने के लिए, खरीदने के लिए जाते और क्या करते हैं, हमेशा बार्गेन करते रीजनेबल प्राइस के लिए। तो बोलते कि मुझे सस्ते में दो। तो जब श्रीदस क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें सबसे सस्ते में दे रहा हूँ। यहाँ बताया गया है कि वो एक युधिष्ठिर महाराज के समान सत्यवादी थे, सब जानते थे कि वो जो प्राइस बताएंगे वो 100% सही प्राइस होगा, लोग खरीद लेते थे। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु को विशंबर को निमाई को पता था कि ये भी सही रेट बताते हैं, फिर भी बोलते थे आधे रेट पे चाहिए मुझे, है ना। जब आधा रेट बताते तो बोलते नहीं इसका भी आधा चाहिए मुझे, तो ऐसे उनसे बहस करते। और एक बार क्या बोलते हैं कि तुम इतना सारा केले बेच बेच कर तुम बहुत धनी हो गए हो, फिर भी तुम ऐसे वैरागी के समान ड्रेस पहन के रखते हो, फटे फटे कपड़े पहनते हो, हाँ छुपाते हो अपने धन को। मुझे पता है तुमने बहुत सारी कमाई करी और छुपा के घर पे रखे हुए हो। तो बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोलते हैं कि तुम मुझे बेचो और सस्ते में बेचो। तो बोलते तुम जानते हो कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ और तुम्हारा काम है ये बेचना, ब्राह्मण को सस्ते में देना चाहिए। तो वो देखकर उनकी सुंदरता को देखकर उन्होंने तिलक धारण किया हुआ सुंदर और उनके चेहरे को देखकर आकर्षित हो जाते थे। तो पहले गुस्सा भी आ रहा था, फिर बाद में उनको देखकर गुस्सा पूरा चला जाता है। तो जय देख के बोलते हैं, सुनो ब्राह्मण प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पशु के समान तुम्हारे कुत्ते के समान हूँ, अब मुझे कम से कम क्षमा कर दो, तुम और कोई दुकान देख लो, कोई और दुकान चल लो जहां पर सस्ते में मिल रहा हो। तो बोलते आर की प्रसार नहीं श्रीधर यही बोले अल्प खड़ी द्रिया ताह की ना पर भोले, तुम कहीं और चले जाओ। प्रभु बोले योग्य ने आमी नहीं छाड़ी थोड़ा काला दिया मोरे तुम्हें लाह कड़ी। बोलते हैं कि इतना सस्ता इतना बढ़िया सप्लायर कहाँ मिलेगा मुझे, मैं कहीं और लेने के लिए क्यों जाऊँ। एक तो रेगुलर सप्लायर हो, इतना बढ़िया सप्लाई करते हो और सस्ते में देते हो, तो मैं क्यों जाऊँ कहीं, मैं तुम्हारे पास से लूंगा। रूप देखी मुग्ध हैया श्रीधर हसे गली पड़े विशंबर पर मन संतोषे। तो इस प्रकार बताते हुए उन्होंने क्या किया, विशंबर ने गले लगाया। प्रत्यय गंगा रे द्रव्य देह तकिनिया आमारे वचु की छुदिला मुलिया छड़िया। तो बोलते तुम प्रतिदिन गंगा को कुछ दान करते हो ना। बोलते हाँ मैं गंगा को दान करता हूँ आधा और आधा अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तो बोले गंगा की पूजा करते हो, मैं तो गंगा के पिताजी हूँ, तो मुझे दो, मुझे तुम्हें आधे रेट में देना ही पड़ेगा। तो बोलते नहीं 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 तुम क्या करो, विष्णु तुम गंगा के पिताजी कैसे हो सकते हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो अपने कान में हाथ रख के बोलने लगते हैं। फिर बाद में जबरदस्ती उनसे जिद कर जबरदस्ती झगड़ा कर हरा कर वो क्या करते हैं, वो कुछ फ्री में भी लेना चाहते थे। ऐसे एक पत्ता ले लेंगे तो बोलेंगे ये फ्री में दे दो साथ में, ऐसा ले लेते हैं। तो इस प्रकार बार बार उनको परेशान कर ले जाते थे। तो ये चीज याद दिलाते, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे साथ ये करता था, मैं वही विशंबर हूँ, मैं वही निमाय हूँ, उनको याद दिलाते हैं। तो बोलते आज मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूँ, तो आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान करना चाहता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं मुझे अष्ट सिद्धियां नहीं चाहिए। बोलते मैं तुम्हें सम्राट बना दूंगा। बोलते मैं सम्राट भी बनना नहीं चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। फिर अपना वो विस्तार दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं कि बलराम जी खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो बोलते तुम्हें श्रीधर तुम जो मांगना चाहते हो आज मांग लो, मैं तुम्हें आज सब कुछ देना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जय ब्राह्मण खड़ी नीला मोर खोल पाता से ब्राह्मण हऊ का मोर जन्म जन्म ना था। बोलते वो ब्राह्मण एक बच्चा चाहिए जो मेरे पास आता था, क्या करता था, मेरे केले के पत्ते छीनता था, मुझसे झगड़ा करता था, जब मैं अपने टेबल से उठ जाता था थोड़ा दूर भाग जाता था, फिर उसका बोलता था कि मुझे आधे रेट में दो, वही रूप मुझे चाहिए, बार बार हर जन्म मुझे वही रूप चाहिए। और जय ब्राह्मण मोर संगे करीला खंडल मोर प्रभु हो का तार चरण युगल। तो मुझसे जो बार बार झगड़ा करता था, ऐसे महाप्रभु ऐसे ब्राह्मण बालक के चरण कमल के में प्रीति बने रही। बलित बलित प्रेम बढ़ाए श्रीधरे दुई बहुतुली खंडे महा उच्च स्वरे। जोर से रोते हुए श्रीधर ने क्या किया, भगवान के चरण को पकड़ लिया।
श्रीधर भक्ति देखी वैष्णव सकल अन्य अन्य कांदेले सब हई लविहल। तो श्रीधर जी सब भक्ति देखकर सभी लोग विवल हो गए, रोने लगे। हसी भोले विश्वंबर सुनह श्रीधर एक महाराज्य करम तुम्हारेश्वर। सुनो श्रीधर, मैं चाहता हूं कि तुम एक राज्य दे दूं। बोलते नहीं नहीं मुझे राज नहीं चाहिए। मुई किचु नाही चाह हे न कर प्रभु जेना तोर नाम गण। मुझे बस एक चाहिए कि मैं बार बार आपके नाम का वर्णन करता रहूं, आपके गुणगान करता हूं। भगवान अंत में क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहा हूं, मेरी भक्ति प्रदान कर रहा हूं, तुम्हें भक्त भक्ति प्रदान कर रहा हूं श्रीधर, तो खुश हो जाओ। तो ये सुन सुनकर सभी लोग जय जय की ध्वनि करने लगे और श्रीधर मूर्छित हो गए। आगे बोलते हैं कि करीब विद्या दान रूप यश कुले अहंकार बड़ी सब पाई निर्मले। बोलते हैं ज्ञान विद्या बल सम्राट ये सब अष्ट सिद्धियां मुझे अगर दे भी दोगे तो मैं कुछ नहीं पाऊंगा, मुझे आप जो कृष्ण प्रेम दे रहे हो ये मेरे लिए सब कुछ सबसे बड़ा धन है, इसलिए आप मुझे ये प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार श्रीधर को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं रूपा जी बता रहे हैं क्योंकि श्रीधर जो भगवान के महान भक्त थे इसलिए ये पता था किसको, इनके पहले महाप्रकाश लीला किया है तो सभी को पता है सारे भक्तों ने क्या कर रहे हैं, उनके लोटे से जल कैसे पानी पी रहे हैं और स्वयं भगवान भी पी रहे हैं। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में यही बताया जा रहा है उनकी स्थिति को, किस प्रकार भगवान के परम भक्त हैं श्रीधर, कुला विश्व श्रीधर को कहा जाता है। और मुरारी गुप्त के बारे में वर्णन आता है, मुरारी गुप्त भी उनके परम भक्त हैं और जिनकी अनेक लीलाएं चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में मिलती हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मुरारी गुप्त के मन में ख्याल आता है कि अगर मैं ये शरीर छोड़ दूंगा तो मेरे में जो मेरे को ये डाउट जो आ रहा है ये डाउट भी इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता है? हाँ, इनका प्रश्न है कि जब कभी मन में संशय आता तो क्या शरीर छोड़ने से संशय चला जाता है क्या? लेकिन उनको उस संशय की जो पीड़ा थी वो ज्यादा थी, है ना, जैसे कोई उनको डाउट आ रहा है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये संशय की वजह से वो शरीर त्यागना चाहते हैं, तो वो पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे इसलिए शरीर त्यागना चाहते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं संशय मुक्त हो जाऊंगा, ना शरीर रहेगा, नहीं शरीर नहीं रहेगा तो कोई संशय नहीं रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है लेकिन ये अपना भाव प्रकट करने का तरीका है। कोई बताता है कि मैं मुझे डाउट है अगर मैं शरीर त्याग दूं डाउट ही नहीं रहेगा, मैं डाउट के साथ जी नहीं सकता, मैं इस चिंता के साथ जी नहीं सकता, चिंता से मुक्त होना चाहता हूं। तो ज्यादातर लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं कि वो उस भावना को सहन नहीं कर पाते जिस भावना से गुजर रहे हैं, तो इसलिए सोचते हैं शरीर त्याग देंगे तो भावनाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन ये भगवान की लीलाएं हैं, तो भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम प्रकट करने के लिए ऐसा उनके मन में प्रकट करते हैं। और किसी का प्रश्न या कोई समीक्षा? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार वहीं पे राजापुर में परिक्रमा रुकी थी तो भक्ति नित्यानंद महाराज बता रहे थे, भक्ति नित्यानंद महाराज बता रहे थे कि महाप्रकाश लीला जैसे श्रीधर को बुलाने गए भक्त लोग, तो जब श्रीधर को पता चला कि महाप्रभु बुला रहे थे तो ये सोचे कि मुझे तो कुछ लेके जाना चाहिए, और इतना गरीब थे कि घर में कुछ था नहीं, तो एक सुपारी था वो भी फटा हुआ नहीं था, उसके जैसे नारियल के ऊपर छिलका होता है वैसे छिलका सहित लेके गए थे। छिलका सहित जब लेके गए तो महाप्रभु बोले ये बहुत धनी है, तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो, मुझे कुछ मेरे लिए कुछ लाए हो, दे दो दे दो। तो नहीं निकाल रहे थे, फिर जबरदस्ती महाप्रभु से छीने सुपारी, बोले देखो ये कितना धनी है, मतलब बहुत ही गुणगान करने लगे श्रीधर का। उसके बाद जैसे आप बता रहे थे वैसे कहीं चैतन्य भागवत में ही होगा, महाराज बता रहे थे कि बाद में महाप्रभु बोलते हैं श्रीधर मैं आज से तुम्हारा हूँ, तुम जिसको चाहे मुझे दे सकते हो, मैं आज से मैं तुम्हारा हो गया हूँ, तुम जिसको चाहे मुझे दे सकते हो।
तो ये भी चेतन भागवत से महाराज बता रहे थे ऐसा। जी का प्रश्न क्वेश्चन एनी क्वेश्चन मुरारी गुप्त, चलो एक पास टाइम बता देता हूँ, एक मिनट और है जब तक। मुरारी गुप्त एक बार अब महाप्रभु के घर से अपने घर पर आ रहे थे तो बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न होकर गाते हुए आ रहे थे, कभी हंसते हैं कभी गा रहे हैं कभी रोने लगे। और घर आते हैं, घर आने के बाद जब वो बैठते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भोजन ले आओ, तो भोजन ले आती पत्नी और उनको खिलाती, खिलाने के लिए थाल में रख देती है चावल और घी सब्जी आदि। तो चावल घी मिलाते हैं और जोर जोर से हंस हंस के बोलने लगते हैं, हे कृष्ण खाओ खाओ कृष्ण खाओ, और ऐसे बोलते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे, लो खाओ। तो चावल जमीन में गिर जाता है, बार बार ऐसा करके गिराते जा रहे हैं गिराते जा रहे हैं। उनकी पत्नी हंसे जा रही है पर जानती है कि भगवान है, भगवान के भक्त भी हैं और भगवान खा रहे होंगे। ऐसे करते करते वो पूरे थाली पूरे घर का चावल भगवान को खिला देते हैं ऐसे। तो उधर भगवान चैतन्य जो हैं वो खा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को खिला रहे थे वो खा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच जाते हैं महाप्रभु उनके पास, उठाते मुरारी को, तो उठो उठो। बोले क्या हो गया? बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अजीर्ण हो गया है। अजीर्ण हो गया है? बोले अजीर्ण कैसे हो गया? बोले तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो कृष्ण कृष्ण बोल के खिलाते जा रहे थे और मैं खाता जा रहा था, मुझे अजीर्ण हो गया है। तो बोलते मुझे समझ नहीं है। बोले तुम्हारी पत्नी को समझ में आ गया है, तुम्हारी पत्नी समझती है कि तुम कैसे खिला रहे थे। बोलते तुम कैसा इलाज करते हो मेरा, मैं इतने बार आता हूँ तुम बोलते ये मत खाओ वो मत खाओ तो बीमार हो जाते हो, बाद में इतना सारा चावल तुमने रात को खिला दिया, तुम किस प्रकार का डॉक्टर हो? एक तरफ खिलाते बहुत ज़्यादा हो फिर दवाई भी देते हो। तो बोलते हैं कि देखो तुमने ही मुझे खिला खिला कर बीमार किया है, तो तुम ही मुझे ठीक करोगे। और मुझे पता दवाई क्या है, ये तुम्हारे पास जो एक लोटे में पानी रखा हुआ है यही तुम्हारे लोटा का, तुम्हारा पानी पीऊंगा क्योंकि तुम्हारा चावल खाया था तो ठीक होऊंगा। उठाकर उनका पानी गटागट पी लेते हैं तो उनके बाद उनका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे मुरारी रूप के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य भागवत की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे।